प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका लास्ट वन ईयर का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। तो ये हाई रिटर्न दो मामलों में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। नंबर वन, जो नंबर वन और नंबर टू फंड्स हैं लास्ट वन ईयर के रिटर्न के मामले में, उनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 10% का डिफरेंस है। लाइक जो रिटर्न वाइज नंबर वन फंड है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और रिटर्न वाइज जो नंबर सेकंड फंड है, इतना बड़ा गैप, जनरली इस तरह का गैप देखने को नहीं मिलता है। और नंबर सेकंड स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर आप दूसरे फंड्स को चेक करेंगे, इवन टॉप फंड्स को, तो ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क से लास्ट वन ईयर में काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑफकोर्स इस फंड का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि जब ज़्यादातर फंड्स अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं बेंचमार्क के मुकाबले, तो ये फंड इतना ज्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर रहा है। इस वीडियो में हम बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बंधन म्यूचुअल फंड पहले IDFC म्यूचुअल फंड हुआ करता था, और IDFC के इक्विटी फंड्स का अगर आप कुछ सालों पहले का परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन हाँ उसके बाद कई सालों तक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और फिर से लास्ट वन ईयर का अबाउट रिटर्न्स देखेंगे तो फिर से ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का IDFC जो कि अब बंधन हो चुका है उसका रिटर्न्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वन ईयर और लास्ट थ्री ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वन ईयर में देखिए 72% के आसपास का रिटर्न और बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है इस फंड ने। लास्ट थ्री ईयर्स में भी देखेंगे तो बेंचमार्क को फंड बीट कर पा रहा है। तो देखिए, जब भी किसी भी फंड का परफॉर्मेंस चेक करें तो सबसे पहले तो आप बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न चेक करें, वो बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड आप चेक करेंगे कि जिस भी कैटेगरी का वो फंड है उस कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उसके मुकाबले रिटर्न कैसा आया है। तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो अब हम चेक करते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा आया है। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न्स, बंधन को मैंने सबसे ऊपर रखा है, तो देखिए लास्ट वन ईयर का रिटर्न आपको सभी कुछ रेड दिख रहा है। रेड का मतलब है कि ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं लास्ट वन ईयर में। कई बार मैंने आपको बताया है ना, ज़्यादातर फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इवन टॉप क्लास के फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ जो सेकंड बेस्ट फंड है वो ITI स्मॉल कैप फंड है, लास्ट वन ईयर का रिटर्न 61% का आया है। तो यहाँ पे नंबर वन और नंबर टू का रिटर्न का डिफरेंस 10% के आसपास है, ह्यूज रिटर्न्स। तो इससे पता चलता है कि इस फंड ने लास्ट वन ईयर में कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इवन क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि ज़्यादातर केसेस में टॉपर रहा है परफॉर्मेंस वाइज, उसका भी रिटर्न मतलब इस फंड के मुकाबले काफ़ी कम है। जब भी आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ लास्ट वन ईयर के रिटर्न के बेसिस पे कुछ भी पता नहीं चलेगा। कोई भी फंड लास्ट वन ईयर में बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर या लक के भरोसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है, आपको लॉन्ग टर्म देखना होगा। लाइक ये तो नया फंड है, थ्री ईयर में अगर आप देखेंगे तो थ्री ईयर पे देखिए रिटर्न तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है 28%, लेकिन थ्री ईयर का रिटर्न इतना ज़्यादा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि लास्ट वन ईयर का रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ये CAGR रिटर्न है ना, एवरेज आउट होता है रिटर्न्स, तो इस वेरी हाई वन ईयर रिटर्न के कारण इसका थ्री ईयर का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे इस फंड का रोलिंग रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो रोलिंग रिटर्न मैंने रिटर्न पीरियड वन ईयर रखा है क्योंकि नया फंड है ना, पुराना फंड है नहीं। क्योंकि अगर कोई पुराना फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड लंबे समय का है, तो जनरली हमें थ्री ईयर्स का रखना चाहिए क्योंकि इक्विटी फंड है, वन ईयर का आइडियली नहीं रखना चाहिए, बट मजबूरी में नया फंड इसलिए मैंने रखा है। तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस इसका, आप ऊपर जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है, ब्लू कलर है वो कैटेगरी एवरेज है। तो देखिए यहाँ पे तो आपको पहले कोई खास परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तक देखिए कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ज़्यादातर केसेस में तो रिटर्न्स कम ही है कैटेगरी एवरेज से भी। जो भी रिटर्न्स आया है वो रिसेंट परफॉर्मेंस है, तो इस बात को ध्यान में रखें, ये नया परफॉर्मर है, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कुछ है नहीं इस फंड का। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं थ्री ईयर का। तो देखिए सार्प रेशियो तो अच्छा है, वन से ज़्यादा सार्प रेशियो अच्छा माना जाएगा, मतलब कि इस फंड ने अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। अल्फा 1.75 है, स्मॉल कैप के लिए कोई बहुत ज़्यादा अल्फा तो नहीं है ये, बट हाँ बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे इन्वेस्टमेंट स्टाइल पता चलता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पता चलता है। बेंचमार्क देखिए BSE 250, तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, स्मॉल कैप के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं,
और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। तो ये फंड्स जो होते हैं, सिर्फ यही फंड नहीं, स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं सारे फंड्स वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स के आसपास है और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। एयूएम तो कोई खास बड़ा नहीं है, दो बड़े रीज़न है बड़ा एयूएम नहीं होने का। एक तो फंड ही नया है, कोई पुराना फंड नहीं है, और दूसरा परफॉर्मेंस पहले का कोई खास रहा नहीं है, परफॉर्मेंस अभी आया है, तो अब इसका एयूएम तेजी से बढ़ेगा, ये आप मान सकते हैं। पी रेशियो देखिए ज़्यादा नहीं है स्मॉल कैप के लिए, सिर्फ 20 के आसपास, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर है यहाँ पे, और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में अच्छा चल भी रहा है। एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है, 85%, मतलब कि स्टॉक्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, 148 ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। क्योंकि देखिए अगर एयूएम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रखने का मतलब बनता है, लेकिन यहाँ पे तो एयूएम कोई खास बड़ा है नहीं, फिर भी नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है। बट एनी हो, ये फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल से स्ट्रैटेजी से अगर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो अच्छी बात है। फंड मैनेजर्स देखिए, ये ऑल थ्री फंड मैनेजर्स का अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और वर्क एक्सपीरियंस चेक करेंगे तो अच्छा है, लेकिन इस फंड को रिसेंटली मैनेज करना इन्होंने शुरू किया है। सो फर्स्ट टू फंड मैनेजर्स तो 23 से मैनेज कर रहे हैं, और लास्ट फंड मैनेजर तो 24 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर लिया गया है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, इसीलिए स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मिड कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है 16% प्लस, और लार्ज कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर है। देखिए इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा रिस्की बोला जाता है ना, मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी इस तरह के फंड्स को कंसिडर करें। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टोटल अगर आप ऐड अप करेंगे तो 92% के आसपास ही आएगा, उससे थोड़ा कम ही आएगा। तो बाकी का जो 8% का एक्सपोजर है वो मोस्टली कैश में रखा गया है। तो कैश का मतलब होता है ओवरनाइट फंड्स। तो देखिए जब भी फंड मैनेजर के पास पैसा आता है तो जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा वो एक बार में ही इन्वेस्ट कर दे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा बहुत पैसा वो ओवरनाइट फंड्स में भी रखता है, ताकि जब अच्छे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलेंगे, तब अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा फिलहाल कैश में भी रखा गया है। यहाँ पे देखिए स्टॉक पोर्टफोलियो, मोस्टली यहाँ पे आपको फाइनेंशियल और पीएसयूज मिलेंगे। फाइनेंशियल में चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग है, कर्नाटका बैंक है, नीचे जाएंगे साउथ इंडियन बैंक है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस है, और मनापुरम फाइनेंस है। देखिए किसी भी स्टॉक में आपको ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ नहीं मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे पीएसयू देखिए, आरईसी ऊपर आपको दिख रहा है, पीएफसी दिख रहा है, और नीचे भी बहुत सारे पीएसयूज आपको मिल जाएंगे, इसीलिए इनका पी रेशियो रिलेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पे देखिए दो पॉइंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि शायद दूसरे पोर्टफोलियोज में आपको नहीं मिलेंगे, लाइक पीसीबीएल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और नीचे सैली इंजीनियरिंग है, राशि फेरिफेरल्स है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको नहीं मिलेंगे, तो उस मामले में यूनिक है, और ऑफकोर्स रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे सेकंड पॉइंट ये है कि रिस्क को काफ़ी कम कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। इस वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।